हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? होप सब अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। एंड यू नो अबाउट मी, आई एम साइंस एजुकेटर मलिका सेठी। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जो कि अनअकैडमी से रिलेटेड है, अनअकैडमी वालों का यूट्यूब चैनल है। सो हम करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कार्बन का चैप्टर हमारा चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है। नोमेनक्लेचर हमने हाफ कर लिया है, हाफ हम आज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में कि व्हाट इज अनअकैडमी लर्नर ऐप। अनअकैडमी लर्नर ऐप आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो पहले आप इंस्टॉल कर लें। देन आप देखना कि उसमें टू टाइप के कोर्सेज हैं, स्पेशल कोर्सेज हैं, प्लस कोर्सेज हैं। स्पेशल कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कुछ पे नहीं करना, जस्ट आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करनी है और फ्री में फायदा उठाना है। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, पूरा का पूरा उसमें कोर्सेज हैं। जिस एजुकेटर से अच्छा लगता है आप उस एजुकेटर की वीडियोस को देख सकते हैं। बट प्लस जो सब्सक्रिप्शन है उसका, प्लस कोर्सेज है उसका क्या बेनिफिट है, वो आपके एक पर्सनल ट्यूटर की तरह। लाइक अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो या किसी अदर एजुकेटर जिसको जिसके आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है, आप उनकी क्लास लगा सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। उससे आपको फायदा ही होगा कि आपको नोट्स मिलेंगे, एक तो आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी। यूट्यूब पे आप अपनी मर्जी से आते हो, बट अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखे आपने तो आपको पता होगा कि 5 o'clock मेरी 5 PM पे मेरी क्लास है, तो मुझे अपनी क्लास लगानी है। सेकेंड, आपके टेस्ट होंगे, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसे आप घर पे बैठे अपने ही लैपटॉप पे अपने ही फोन से आप क्लास लगा सकते हैं, कंफर्ट जोन में आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, प्लस कोर्स लेने के लिए आपको कुछ, अभी देखो पर्सनली कुछ आपको दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको पे भी करना पड़ेगा। पे करना कैसे होगा, जैसे आप कोई ऑफलाइन क्लासेस स्कूल्स में हम पे करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। 9th, 10th, 11th, 12th के लिए ये सारे के सारे आपके पास है कि आपको इतने रुपीज पे करने हैं। अगर आपको 3 month का लेना है तो आपके पास 7500 है। 6 month का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 10,000 है। इस टाइप से 48 month तक के सब्सक्रिप्शन है। जो भी आप जितने भी हायर मंथ का लेंगे आपका उतना ही ज्यादा फायदा होता जाएगा। बट आपके फायदे के साथ साथ एक और फायदा क्या है, जैसे आप 6 month का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 6 month के लिए आपको वैसे तो कितने पे करने पड़ेंगे, 10,000 पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप क्या करते हैं, मेरा कोड यूज करते हैं MASE, जब आप पे कर रही हैं आप मेरा कोड यूज कर रही हैं MASE, और ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आप 10th class का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तभी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। नो, आपको कोई भी, चाहे कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए करना है या फिर आपको 9th class के लिए, 7th class, किसी भी क्लास के लिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कोड कौन सा यूज कर सकते हैं, मेरा MASE कोड यूज करते ही आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। आपको 10,000 की जगह कितने पे करने होंगे, 9,000 पे करने होंगे। तो आपको फायदा ही फायदा है, फायदे आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको टीचर घर पे बैठ के पढ़ा रहा है, आपके ही घर आएगा चाहे वो लैपटॉप पे, तो आपको घर पे बैठे पढ़ना है, और आपको 10% ऑफ भी दे रही है अनअकैडमी। तो आपको क्या करना होगा, मेरा ये कोड यूज करते ही आपको 10,000 की जगह 9,000 पे करने होंगे। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप डाउट में कैसे कर सकते हैं, आप डाउट्स अपना अलग से पूछ सकते हैं, डाउट सेशंस होते हैं। बट आपके पास स्पेशली एक उसमें आपके पास ऐसा होगा कि आपको अपने पिक्चर्स क्लिक करके डाउट की क्रॉप करके उस क्वेश्चन को, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं आता, आज के डाउट में जाके आपको इस टाइप से, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है आई नीड हेल्प दिस क्वेश्चन, तो आप अपना क्या करोगे, क्वेश्चन का पिक अपलोड कर दोगे। प्लस आप उसमें क्या करोगे, लाइक मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सब्जेक्ट आप डाल दोगे और आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो आपको उसका जो आंसर होगा, उसका जो सोल्यूशन होगा, वो इजी से इजी लैंग्वेज में आपको वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। और आप जिस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, आपको उसी लैंग्वेज में उसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको अनअकैडमी बहुत सारे फायदे दे रही है, आपको जो बनना चाहते हो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूट्यूब पे प्लस यूट्यूब पे कोर्सेज दे रही हैं, स्पेशल कोर्सेज दे रही है अनअकैडमी, प्लस कोर्सेज दे रही है। बट प्लस कोर्सेज में यही फायदा है कि आप अपने अमाउंट पे करके
आपको नोट्स, आपको टेस्ट सीरीज और ये सब आपको फायदा होने वाला है। आपको एक गाइडेंस मिलेगा प्रॉपर कि ये चीज आपको ऐसे करनी है, ये चीज आपको ऐसे करनी है। तो अभी अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले ले। अगर लर्नर आप डाउनलोड ही नहीं किया है तो वो तो अभी के अभी कर लेना, क्योंकि उसमें स्पेशल कोर्सेज भी हैं, आप उससे भी अपना बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। और YouTube पे आप मुझे देख ही रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स YouTube पे आते हैं, 10th क्लास में सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। अभी हम करते हैं कार्बन वाला। हमने क्या क्या कर लिया? हमने हैलोजन्स कर लिए हैं, हमने एल्कोहल कर लिया है और एल्डिहाइड कर लिया, उसके प्रैक्टिस में बाद में कराऊंगी। सबसे पहले अभी हम देखते हैं कीटोन। जिसने नहीं किया है प्लीज मेरी पहले लास्ट वाली वीडियो देख लें, उसके बाद ही मेरे नेक्स्ट टॉपिक में आए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा, आप पहले वाला कीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं कीटोन। तो अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको अपने इनिगो फ्रेंड्स बना लेना है। तो हम क्या करने वाले हैं, कीटोन। कीटोन इज ए फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है जिसके सफिक्स क्या होता है, ओन। व्हाट इज द सफिक्स जो नेम के पीछे लगता है, लाइक माय नेम इज मिसेस मलिका सेठी, ठीक है। मिसेस जो है वो मेरा प्रफिक्स है, मलिका जो है वो मेरा वर्ड रूट है, मेरा नेम है, इसके बिना तो मेरी कोई पहचान ही नहीं है। सेठी इज माय सफिक्स, पीछे लगता है मेरे नेम के, तो सफिक्स की टोन का क्या होगा, ओन होगा, ठीक है। लाइक अब देखो एग्जाम्पल, अब इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, जब हम कीटोन कर रहे हैं, कीटोन के लिए जो सिंबल होता है ना वो ये होता है, CO होता है कीटोन का सिंबल। तो अब करना क्या है हमें, एग्जैक्टली CO है तो आपको ये देखना होगा हमेशा कि वन कार्बन यहां होगा और कार्बन यहां होगा, मीन्स ये हमेशा जो है ना कीटोन एक लास्ट वाले कार्बन से बाद में ही आएगा, डायरेक्ट लास्ट वाले कार्बन पे आप नहीं लगा सकते। इसका मीनिंग यही है कि CO मींस यहाँ पे भी कोई कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कोई कार्बन अटैच है। अब हमने इसको नेम कैसे देना है, देखो आपके पास ये स्ट्रक्चर दी हुई है CH3COCH3। हम यहाँ पे लिखते हैं CH3COCH3। हमें क्या करना है, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इनके फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है हमें उसे नंबर ऑफ कार्बन में काउंट करना है। तो ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन और ये हो गया थर्ड कार्बन, ठीक है। अब कीटोन के लिए सफिक्स तो ओन यूज होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं, प्रो प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या सिंगल बोन्ड है या डबल बोन्ड है या ट्रिपल बोन्ड है। तो हमारे पास इसमें क्या है, यहाँ भी सिंगल बोन्ड है, यहाँ भी सिंगल बोन्ड है। हमने फंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं देखना, फंक्शनल ग्रुप के अंदर डबल बोन्ड है, बट हमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। तो प्रो प्लस में क्या आ जाएगा, एन प्लस। कीटोन का हमें पता है कि नेम के पीछे क्या लगता है, ओन लगता है, बट जब हम इसका पूरा नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो हम ये ई को कट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका जो नेम होगा प्रोपेनोन, ये हमारे पास इसका नेम आ जाएगा। देखो यही आपके पास लिखा हुआ है, प्रो ई माइनस कर दिया, प्लस ओन कर दिया, क्या आ जाएगा, प्रोपेनोन आ जाएगा, ओके। अब आपके पास ये किसकी स्ट्रक्चर है, ब्यूटेनोन की है, बट इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है। अब आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है कि मैं आपको यहां, आपके पास ये आ गया कि ब्यूटेनोन की स्ट्रक्चर बताओ। अब सबसे पहले आपका काम ये है कि देखो कि ओ एन ई लगा हुआ है, तो अपने माइंड में पूछो कि ओ एन ई के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज होगा। तो आपके ब्रेन ने आंसर दिया कि ओ एन ई के लिए जो है वो कीटोन यूज होता है, आपने सी ओ लगा दिया। अब देखो टोटल हमारे पास क्या है, ब्यूट, ए एन है, मतलब सबने सिंगल बोर्ड है। ब्यूट मीन्स क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, 4 नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो आपने क्या करना है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि 1, 2, 3, 4, ये 4 ऐसे कार्बन लगा दिए, नहीं, इस टाइप से आपको नहीं लगाना। कीटोन के अंदर आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ये करना है, कीटोन में आपको करना क्या है, ये देखो, आपने कीटोन के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लगा दिया,
सेकेंड आप ये देखो कि एक कार्बन तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा लास्ट में, तो यहाँ हमने क्या कर दिया CH3 लगा दिया। अब टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 कार्बन हमने यहाँ लगा दिया। ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो भी हम इसमें काउंट करेंगे, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया, तो ये हो गया CH2 और ये भी हो गया CH2, तो ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी। बस इसी चीज का ही ध्यान रखना है एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये जो तीन है वो हमारे यही है कि हम इसके अंदर मोस्टली आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आप एक दो बार गलत करोगे, तभी मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ कि आप ये चीज गलती नहीं करें। जो हमारा CO फंक्शनल ग्रुप वाला है वो आप बीच में काउंट करोगे। तो ये हमारा था कीटोन के लिए, तो मैं आपको सारे प्रैक्टिस करवाऊंगी, सबके हम इकट्ठे कंबाइन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए सेफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। सेफिक्स मीन्स नेम के पीछे लगता है। इसके लिए हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है COOH, ये वाला COOH। अब देखो COOH है, अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाती है CH3COOH, आपको इसका नोमेनक्लेचर बताना है, नेम बताना है, तो कैसे बताओगे? हमेशा जब आप कार्बन के नंबर काउंट करते हो तो जहां फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से काउंट करना है। ये हो गया फर्स्ट कार्बन और ये हो गया सेकेंड कार्बन, ठीक है? अब देखो ये वाला कार्बन हमारा था कौन सा, फंक्शनल ग्रुप वाला, बट मैंने इसमें नंबरिंग काउंट की है, तो 1 और 2 के लिए हमने क्या लगा दिया, ईथ लगा दिया। दोनों में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन में। मैं एक ही चीज दोबारा भी रिपीट कर रही हूं कि हमें फंक्शनल ग्रुप को नहीं देखना, फंक्शनल अगर आप इसकी बात करो तो आपके फंक्शनल ग्रुप में ये इस टाइप से बॉन्ड बना रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, सिंगल बॉन्ड OH के साथ बना रहा है। बट हमें ये चीज नहीं देखनी है कि डबल बॉन्ड बना रहा है या सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। तो ये आ जाएगा ईथ। कार्बन और कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, प्लस COOH के लिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। तो हमारा पूरा जो नेम बनेगा वो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। ये हमारा नाम बन जाएगा इथेनोइक एसिड। तो ये सबसे अच्छे वाला है, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, मुझे सबसे अच्छा लगता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम लिखना। तो ये हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए, जो कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ओइक एसिड होगा, ओन होगा, एल होगा। अब हमारा आता है प्रैक्टिस, अब हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, बताओ मुझे। फर्स्ट वाले का हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसका नेम क्या होगा। एक चीज और, इस स्ट्रक्चर को कराने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना CHO, आप उसको CHO means aldehyde, है ना, aldehyde को आप कैसे लिख सकते हो, aldehyde आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपको वो इस फॉर्म में पता होना चाहिए कि वो इस फॉर्म में भी होता है C डबल बॉन्ड O और OH। ये मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप पहले इनको आइडेंटिफाई कर लो कि CHO ये होता है और इसका जो इसको जो इसके अंदर जो बॉन्डिंग है, मींस इसने कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ है, और CO है जो कीटोन, कीटोन जो है वो इस फॉर्म में है C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है। ये तीनों जो है वो आपको इस फॉर्म में भी पता होने चाहिए। ये देखो आपको यहाँ पे कीटोन है वो इस फॉर्म में यहाँ पे बता रखा है। मैंने जो लास्ट स्लाइड्स में आप देखोगे तो आपको वहां पे भी मिलेगा कि CHO को C डबल बॉन्ड O है, बट ये नहीं बताया मैंने क्योंकि ये आपको अब इजीली समझ आ जाएगा, पहले आप करते तो कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। अब हम करते हैं नोमेनक्लेचर। अब देखो क्या है CH3CH2Br, आपको करना क्या है, रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले प्रेफिक्स आएगा, प्लस में वर्ड रूट आएगा, प्लस में प्राइमरी सफिक्स आएगा, प्लस में सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ये चार चीजें हैं। ब्रोमो है मतलब बी आर है,
तो आप फंक्शनल ग्रुप की टेबल साइड पे रख सकते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अभी अगर लर्न नहीं है तो अपने पास रखो। बीआर हम ब्रोमो यूज करते हैं बीआर के लिए, और जो बीआर है वो एज ए प्रेफिक्स यूज किया जाता है, नेम से पहले लगाया जाता है। तो हमारे पास क्या है, हमने ब्रोमो, हमने प्रेफिक्स लगा दिया ब्रोमो, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ कार्बन काउंट करनी है, 1 कार्बन 2 कार्बन, दिस इज वर्ड रूट। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईथ यूज करते हैं। प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स मीन्स सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो हमने क्या कर दिया, एन लगा दिया। अगर सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो नहीं, कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ यही है। तो हमारा जो इसका नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रोमो, इन सबको जोड़ दो, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, नोमेनक्लेचर है। पहले वन बाय वन अगर करोगे तो ही आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये हमारे पास जो इसका नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, ब्रोमो इथेन होगा। सेकेंड देखते हैं हम कि सेकेंड का नेम क्या है हमारे पास। मैंने इसलिए इसके नेमिंग जस्ट आंसर साथ साथ नहीं लिखे क्योंकि मैं आंसर देख के आपको नहीं करवाना चाहती, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस अपने आप से करवाना चाहती हूँ कि इसका नेम आप कैसे लिख सकते हैं। तो अपनी खुद भी कॉपी पेन लो, जैसे मैं कर रही हूँ साथ साथ आप भी करो। अब देखो ये वाली स्ट्रक्चर, अब आपको क्या करना है, ये वाले हाइड्रोजन को एक बार नहीं देखना, आप इस चीज को देखो कि आपको लग तो रहा है कि सी डबल बॉन्ड ओ और एच है, तो मीन्स कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और ये कंपाउंड का नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी 10th क्लास के बेसिस पे, मोस्टली स्टूडेंट इसको कुछ गलत करते हैं। अब सी डबल बॉन्ड ओ और एच है, तो इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप आप एक बार अपनी टेबल साथ रख लो कि आपके पास क्या है, सी एच ओ है, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, है ना। अब ये आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, ए एल यूज करते हैं। अब देखो हमारे पास प्रेफिक्स तो इसमें है ही नहीं, वर्ड रूट देखना है। अब इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अब कोई और कार्बन तो इसके साथ अटैच है ही नहीं, तो सिर्फ ये खुद एक सिंगल कार्बन है, तो जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक सिंगल कार्बन है हम उसे काउंट करेंगे। तो सिंगल कार्बन मीन्स वर्ड रूट क्या है, यहाँ पे मीथ है, प्लस सिंगल बॉन्ड कार्बन को हम कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड देखेंगे या डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो हम ये नहीं देखेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है। आप ये वाला डबल बॉन्ड देख के ईन मत लगा देना, कार्बन और कार्बन में देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे कोई और कार्बन है ही नहीं, मीन्स क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, ओके। प्लस सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स मीन्स एल्डिहाइड के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, ए एल यूज करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ में ओपन कर लो, आपकी बुक में पूरी की पूरी टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, बहुत अच्छे से सारे फंक्शनल ग्रुप, फिर उनके आपको सफिक्स दिए हुए हैं, उनके सिंबल्स दिए हुए हैं। आप प्रैक्टिस करने के लिए अपनी वो टेबल साथ में ओपन करके रख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, मिथेनल, ये ई हमेशा कट जाता है, ई नहीं लगा रहा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथेनल हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से समझो, मैं इसी के बेस पे आपको एक और भी करवाऊंगी, आपसे पूछूंगी वो मैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मिथेनल। अब हम करते हैं नेक्स्ट, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो हम थर्ड कर रहे हैं वो हमने पहले नहीं किया है, तो अभी हम करते हैं। देखो सबसे पहले देखो इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सी एच ओ ओ एच, बट इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो सिंगल बॉन्ड तो होता ही होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज आल्सो इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप ही मानते हैं। तो आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर दो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रेफिक्स तो है ही नहीं, वर्ड रूट मीन सिक्स कार्बन के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, हैग्स यूज कर रहे हो। प्लस अब बाकी सब में तो सिंगल बॉन्ड ही है, फर्स्ट वाले पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने सिंगल बॉन्ड के लिए भी मेंशन तो करना पड़ेगा ना कि सिंगल बॉन्ड है, तो हम प्राइमरी सफिक्स बता देंगे कि हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है बाकी तो, बट जहां पे हमारे पास वो है जिस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है हमें वो भी बताना पड़ेगा
कि इसके साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या करेंगे, कार्बन मेंशन करेंगे कि फर्स्ट वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसका नेम ऐसे लिखेंगे हेक्सेन, ये ई कट जाएगा, हेक्सेन की बाकी सिक्स कार्बन है सब में सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ हाइफन लगा के हम वन आयन कर देंगे कि जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसपे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, दिस इज आर योर पीएसी नोमेनक्लेचर, कि आपके पास क्या आ गया, हेक्सेन वन आयन, हेक्सेन मींस सिक्स नंबर ऑफ कार्बन है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है, बट फर्स्ट वाले कार्बन के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, आयन लिख रही हूँ। तो ये पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर इस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। आपके पास स्ट्रक्चर के बेस पे नोमेनक्लेचर भी आ सकता है, नोमेनक्लेचर के बेस पे स्ट्रक्चर भी आ सकती है। तो ये हमारे तीन थे, एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चंस है, ये एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके टेक्स्ट क्वेश्चंस में से ही आप उसमें से देख के अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हो दोबारा। नेक्स्ट देखो क्या है, ये भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब आपको अभी एक कंपाउंड दे रखा है और आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, फर्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, ईट दिस वन इज वर्ल्ड रूट, एन हमें पता है प्राइमरी सेफिक्स, ओइक एसिड दिस वन इज सेकेंडरी सेफिक्स। यह भी हमने सीखा कि स्ट्रक्चर के बेस पे हमने क्या करना है, नेम लिखना है। बट अब हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वर्ल्ड रूट, अब जब भी आपके पास कभी भी ओइक एसिड आ रहा है, एल आ रहा है, मींस एल्डिहाइड आ रहा है या कीटोन आ रहा है, आपने ईट बाद में लिखने नंबर ऑफ कार्बन, पता है आपको, मैं एक बार आपकी वे में करके दिखाती हूँ। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा ईट, आपने कर दिया ईट, मींस क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन टू है, आपने टू कार्बन लगा दिए, फिर आपने देखा सिंगल बॉन्ड है, हाँ हमने सिंगल बॉन्ड भी लगा दिया, फिर ओइक एसिड है, ओइक एसिड के लिए हमने क्या कर दिया, सी ओ ओ एच लगा दिया, क्योंकि हमें पता है ओइक एसिड है तो मींस कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर आपने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी कि वन कार्बन यहाँ, वन बॉन्ड यहाँ है, वन बॉन्ड यहाँ, हमने एच टू लगा दिया, वन बॉन्ड यहाँ है, हमने एच थ्री लगा दिया। तो आपकी तरफ से तो आपकी स्ट्रक्चर ठीक है, हमने तो बिल्कुल रूल्स को फॉलो किया है, ईथ था तो हमने दो कार्बन लगा दिए, ओइक एसिड था तो हमने सी ओ एच लगा दिया। बट जब आप उसको टेस्ट में कर किया है, मैम ने इसको कर दिया रॉन्ग, फिर आपने बोला मैम हमने तो जैसे आपने कराया था वैसे ही किया, आपने बोला था ईथ के लिए टू कार्बन होते हैं, हमने टू कार्बन लगा दिए, ओइक एसिड के लिए हमने सी ओ एच लगा दिया। बट आप इस स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर बना के दिखाओ मुझे, कैसे बना के दिखाओगे, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, आपके तो नंबर ऑफ कार्बन ही मैच नहीं कर रहे। यहाँ पे तो मैंने टू कार्बन का पूछा था, आपके पास जो आंसर है वो तो थ्री कार्बन वाला आ रहा है, तो आप तो ठीक नहीं हो ना, मैम तो सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने भी ये गलती किया है, इसलिए जो गलती हम लोग खुद कर चुके हैं वो आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये आप नहीं करना, जो हम कर चुके हैं एटलीस्ट वो गलती तो आप करो ही नहीं, और भी कोई नहीं करो बट वो तो बिल्कुल ही नहीं करो। इथेनोइक एसिड है तो आपके पास ओइक एसिड है, तो सबसे पहले आप ओइक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, लगा दिया सबसे पहले ये काम किया, सी ओ एच लगा दिया। अब देखो कि ये एक कार्बन हमारे पास ऑलरेडी है, वन कार्बन है, हमें चाहिए कितने, ईथ में टू कार्बन चाहिए, तो हम वन अनदर और लगा देंगे, सी एच थ्री हो जाएगा, तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी, इथेनोइक एसिड। तो बस आपको इसी चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, नंबर ऑफ कार्बन आपको बाद में लिखनी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं ब्रोमो पेंटेन, हमने क्या करना है, ब्रोमो पेंटेन, आप पता है ब्रोमो ब्रोमो हमारे लिए क्या यूज हो रहा है, प्रेफिक्स यूज हो रहा है, ये सबसे इजी वाला फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन वाला, ब्रोमो वाले में भी आपको बहुत इजी है, आपको क्या करना है, ब्रोमो पेंटेन, ये तो आप बिना सोचे समझे कर दो, वन कार्बन टू कार्बन थ्री फोर फाइव, यहाँ पे लिख लो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, और यहाँ पे आप लगा दो बी आर, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, यहाँ आ जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू, तो दिस वन इज ब्रोमो।
पेंटेन सॉरी। अब इसमें एक चीज और बताऊ मैं आपको, आप ऐसा करो अगर कि हाँ आप यहां भी कर सकते हो, आप ऐसे लिख लो सपोज कि CH3, CH2, 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 CH2 कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 आपने सपोज यहां लिखा 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग आपने ऐसे लिखी हुई है और BR जो है वो आपने इसके साथ लगा दिया, मतलब ऐसा कुछ कर दिया आपने, ऐसा कुछ कर दिया, तो ये भी स्ट्रक्चर आपकी गलत होगी। क्यों गलत होगी, रीजन क्या है? ब्रोमोपेंटेन कहने का मीनिंग ये है, वन मेंशन नहीं करते होते कि ब्रोमो मीन्स जो कार्बन, ब्रोमो है ना वो फर्स्ट वाले कार्बन पे अटैच है। अगर आप ब्रोमो यहाँ लगा रहे हो तो नंबरिंग भी आप यहीं से करो, या तो आप नंबरिंग ही मत करो। अगर आप BR लगा के नंबरिंग कर रहे हो तो आपको फर्स्ट कार्बन यही काउंट करना पड़ेगा, अगर आप BR यहाँ लगा रहे हो तो आपको फर्स्ट कार्बन ये वाला काउंट करना पड़ेगा। अगर आपने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके BR आपने यहाँ लगा दी तो ये गलत होगा, ये 5 ब्रोमो पेंटेन बन जाएगा कि जो ब्रोमो है वो फिफ्थ वाले कार्बन पे अटैच है। तो ये वाली भी मिस्टेक आपने नहीं करनी, आपने ये करना है कि जहां फंक्शनल ग्रुप लगाओगे वहीं से अपने कार्बन की नंबरिंग करनी है आपने, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड प्रैक्टिस हमारी की क्या है, बहुत मजा आएगा अगर आप खुद से करोगे ना, आपको सारे करने लग गए तो आप कहोगे कि मैम एनसीईआरटी वाले तो हो गए, अब हम रघुवीर सिंह वाले में से प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमारे रघुवीर सिंह वाले तो हो गए, अब हम नेट से कहीं पे ढूंढते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को तो मैं 11th क्लास के लेके ही कराती हूँ, इतने अच्छे से समझ जाते हैं, होप आप भी उनमें से ही एक होने वाले हो। उसके बाद हम कर रहे हैं ब्यूटेनॉल, क्या है ब्यूटेनॉल, क्या करना है हमारा सबसे पहला काम क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना, ONE means C डबल बॉन्ड O, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जिस मर्जी फॉर्म में लिखो एक ही बात है। आपने लिखा CO, CO सिंबल है कीटोन का, जिसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओन, तो हमने ओन के लिए लगा दिया ये। अब हमें क्या करना है, ब्यूट, ब्यूट मीन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, वन कार्बन ये ऑलरेडी है, यहां भी हमें कार्बन तो लगाना पड़ेगा ही, फर्स्ट कार्बन एक तो लगाना पड़ेगा, एक हमने अब एक ही हो गया, एक ही हो गया 2, 1, 2 यहाँ पे 3 कर दो और एक कार्बन और लगा दो, CH3, CH2 ये हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी ब्यूटेनॉन की। आपने क्या किया, बस आपने अपना ब्रेन यूज किया, सबसे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH2, CH3, बस मैंने सिर्फ इसमें ओपन करके बताया है, यहाँ पे CO लगाया है। एक चीज याद रखनी है कि टोन में यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा, तो ये हमारा क्या बन गया है, ब्यूटेनॉन बन गया है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं हेक्सेनल, क्या कर रहे हैं हम हेक्सेनल, बताओ मुझे इसमें हेक्सेनल आ गया तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज होगा, जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी, हेक्सेनल मींस कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज होने वाला है, जल्दी से मेरे बताने से पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि हेक्सेनल कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, एल्डिहाइड, AL के लिए क्या होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज होता है, सिंबल कौन सा यूज होता है, सॉरी एल्डिहाइड के लिए CHO यूज होता है, तो हम लगा देते हैं बस हेक्सेनल करना है, मैंने CHO लगा दिया मींस फर्स्ट एक कार्बन हमारे पास ऑलरेडी है, वन कार्बन है, हमने कितने कार्बन और लेने हैं 5 कार्बन, हम लगा देते हैं सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन, लिख देते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, हो गया CH3, CH2, 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 ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई हेक्सेनल की, क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप याद करनी है, आपको सिर्फ सेफिक्स लर्न करनी है, आपको उसके सिंबल्स लर्न करने हैं। तो ये हमारा हो गया, चारों की चारों स्ट्रक्चर्स हो गई, मैंने आपको बना के दिखा दी, प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऑलवेज। अब हमें क्या करना है, ये हम प्रैक्टिस, अब हमें इसकी भी स्ट्रक्चर्स बनानी है। क्लोरोमीथेन क्या है, क्लोरोमीथेन क्लोरो का भी यूज करते हैं, क्लोरो हमें पता है एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, मीथेन के लिए क्या होगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे 1,
तो CH3 आ जाएगा, दिस वन इज क्लोरोमीथेन, बहुत सिंपल है। अब देखो आ गया मिथेनॉल, मिथेनॉल ओएल के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं, मिथेनॉल OH, तो आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ही लगा दिया करो, OH है, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास एक भी नहीं है, और मीथ के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, वन, तो हमने लगा दिया CH3OH, दिस वन इज मिथेनॉल। नेक्स्ट वन इज मिथेनल, अब मिथेनल कैसे लगाएंगे ये देखो सोचना पड़ेगा। अब यहाँ हमने CHO लगा दिया क्योंकि AL है, AL AL के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, हमने लगा दिया CHO, बट कार्बन कितने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन हमें कितने चाहिए, वन, वन हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम कोई और कार्बन तो लगा नहीं सकते, यहाँ हम इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या लगा देंगे, H, आपके पास इस फॉर्म में भी आता है ये HCHO, इसका आप नेम बताओ क्या है, तो इस स्ट्रक्चर को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि क्या है क्या नहीं है, तो ये मिथेनल ही है। नेक्स्ट मिथेनोइक एसिड, मैंने सब मीथ मीथ इसलिए लिया कि आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको अच्छे से समझ आ जाए, मिथेनोइक एसिड, व्हाट इज मिथेनोइक एसिड, ओइक एसिड के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है यूज, जल्दी से जल्दी बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज होगा, COOH, तो आपने क्या किया COOH लगा दिया, मीथ के लिए कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, वन, वन कार्बन हमारे पास ऑलरेडी है, क्या कर दो H लगा दो, हो गया कंप्लीट, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं HCOOH, तो ये हमारे पास क्या है, मिथेनोइक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिथेनॉल एंड मिथेनोइक एसिड इसके स्ट्रक्चर, क्योंकि मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि HCOOH आ गया अब हम इसका क्या करें, तो मिथेनोइक एसिड फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, या ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O और OH, तो भी कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये COOH को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सब कहानी वही है, मोड़ तोड़ के बस हमें सिर्फ वही बातें पता होनी चाहिए, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स, बस। नेक्स्ट क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए जल्दी जल्दी, व्हाट इज ब्यूटेनोइक एसिड, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, ओइक एसिड, ओइक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा यूज होगा बच्चों, COOH लगा दिया हमने, हमारे पास एक कार्बन ऑलरेडी है, अब हमें कितने कार्बन चाहिए, थ्री कार्बन चाहिए, बिकॉज ब्यूट के अंदर कितने होते हैं, फोर, वन हमारे पास ऑलरेडी है, हमने लगा दिया CH2, हमने लगा दिया CH2, हमने लगा दिया CH3, टू थ्री फोर हमारे स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गए, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनल AL आ गया, AL के लिए क्या किया हमने, CHO लगा दिया, CHO इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए AL यूज होता है, तो वन कार्बन हमारे पास ऑलरेडी है, हमने क्या कर दिया, टू का थ्री कार्बन हमने और लगा दिए, ये हमारा बन गया ब्यूटेनल। अगर हमें ब्यूटेनॉल बनाना है तो क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, इसके साथ हमें क्या लगा देंगे, OH। जैसे मैंने ये आपको फास्ट फास्ट कराया है, आपको सारे करने के बाद इतनी फास्ट आने चाहिए, तब आप समझना कि आपको अच्छे से आ गया। अगर आप इतनी फास्ट इसका आंसर सही नहीं लिख सकते, तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहो करके देखते रहो, ये आया ना मजा करने के अंदर, चार ही तो चीजें हैं, एल्डिहाइड के टोन को बड़ी बात थोड़ी ना है, अगर आप लिख लिख के देखोगे तो बहुत मजा आएगा करने में, आप ऐसे पढ़ोगे तो फिर तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, फिर तो आपको बोरिंग ही लगेगा। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में क्या है, ओन, सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, CO लगा दिया, वन कार्बन हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे हमने एक कार्बन और लगा दिया, यहाँ पे हमने CH2 कर दिया, यहाँ हमने CH3 कर दिया, बताओ बन गई स्ट्रक्चर ब्यूटेनॉन की, क्या बड़ी बात है इसके अंदर। तो ये सारे की सारी स्ट्रक्चर्स मैंने इसलिए ड्रॉ कराई है आपको क्योंकि इससे नेम लिखना आपको इजी लगेगा, अगर आप नेम से स्ट्रक्चर्स बनाने सीख गए ना तो स्ट्रक्चर से नेम लिखना तो आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं ओखा लगेगा, मेन चीज तो यही है जिसमें कंफ्यूजन होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हेक्सेनॉन एंड हेक्सेनोइक एसिड, वही चीज है, बस नंबर ऑफ कार्बन ही तो बढ़ाने हैं, ओन CO लगा दिया, अभी वन कार्बन यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, ये टू कार्बन होंगे, बाकी कितने रहेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स, ये कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैं को तो ये करते करते अभी वो हो गया कि बहुत बार आ गया, बस अब तो हो गया होगा अच्छे से,
जैसे बोर नहीं हो जाओ ना करके, बस मैं होगी बोर, अब मेरे को बहुत अच्छे से आता है, कोई मर्जी नेम बोल दो, तब तक करना है। हेक्सेन ओइक एसिड मीन COOH, उसके बाद वन कार्बन है, फाइव कार्बन और लगा दो, बस बन जाएगा हेक्सेन ओइक एसिड। ये आपका था सिंपल में। अब हम क्या करने वाले हैं, एक चीज और, ये देखो अगर आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तब आप कैसे नेम देंगे। डबल बॉन्ड नेम आ गया तो लाइक आपके पास ब्यूट है, वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, फोर्थ कार्बन, और आपके पास क्या आ गया डबल बॉन्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया था हेक्स वन नाइन, तो आपको डबल बॉन्ड है तो भी आपको ईन शो करना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको आयन बताना होगा। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। डबल बॉन्ड इज ऑल्सो इंक्लूड इन फंक्शनल ग्रुप। ट्रिपल बॉन्ड क्लोरो, क्लोरो प्रेफिक्स यूज होता है, ब्रोमीन, ब्रोमो एज ए ब्रोमो प्रेफिक्स यूज होता है, एल्कोहल, एल्कोहल के लिए OH सिंबल यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए CHO यूज करते हैं, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए C डबल बॉन्ड O, C डबल O H यूज करते हैं। तो ये हमारे 10th क्लास के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसके बेसिस पे आपको नोमेनक्लेचर करना है। बहुत इजी है आपको, तो मैं आपको कुछ एक स्ट्रक्चर दे देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप करके देखो, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करती हूँ, स्ट्रक्चर्स के बेस पे आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। आपने ये सारे नोमेनक्लेचर अच्छे से कर लिए तो मींस आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, आपको आ गए। कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना कि मैम हमारे को ये वाला नेम जो है वो अच्छे से नहीं पता चला कि हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं। CH3 फर्स्ट हमारे पास ये हो गया, सेकंड CH3 है वही जो कराए हैं सब, बस ब्यूट की जगह पेंटोज आएगा, आप कर सकते हो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, फिफ्थ CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड 1 2 3 4 CH2। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं फॉर प्रैक्टिस 5, करके देखो। जहां पे कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछो, कमेंट सेशन में बताओ कि मैम मुझे ये वाला फंक्शनल ग्रुप समझ नहीं आया, मैं जरूर आपको बताऊंगी। अच्छी लगी है वीडियो, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टेक केयर।